एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं केपी संत आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो देख सकते हैं, यह है रेड लाइन न्यू गाजियाबाद बस स्टैंड, शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और इसी के बगल में बनाया जा रहा है दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर रैपिड रेल, जो कि अगली साल मार्च में स्टार्ट हो जाएगी। ये सामने देख सकते हैं आप सब, ये देख सकते हैं, ये चल रहा है कंस्ट्रक्शन गाजियाबाद RRTS स्टेशन पर। तो अभी जो इसका सनरूफ बनाने का काम है वो चल रहा है, देख सकते हैं वो सनरूफ के खंभे लगाए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं इधर भी और उधर भी। ये देखो कुछ इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसको अगली साल मार्च तक कंप्लीट करना है। तो ये देख सकते हैं एक दूसरी लाइन से ये जोड़ा जाएगा, तो उसका ही वर्क चल रहा है अभी। ये देख सकते हैं इस पे फ्लोरिंग बनाने का काम चल रहा है और उधर शेड बनाने का काम चल रहा है। ये देखो, और क्रेन मशीन देखो कितनी भारी भरकम क्रेन मशीन लगी हुई है, JCB। तो यही अभी वर्क चल रहा है यहाँ पर गाजियाबाद स्टेशन पर, और ऊपर इस पे ट्रैक बिछाने का भी वर्क चल रहा है। ये रेड लाइन को जोड़ा जाएगा, फुट ओवर ब्रिज बना रहे हैं ये। तस्वीरें देखो, और आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला, अभी गाजियाबाद स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और सेट बनाने का काम चल रहा है, लेकिन जो साहिबाबाद और गुलडहर का है उस पर सेट बना लिए गए हैं। और यहाँ से हम हो जाएंगे राइट, और राइट का व्यू दिखाते हैं। इधर तो ये स्टील के गाटर रखे गए हैं, और जो कंपनी यहाँ वर्क कर रही है वो है KEC। तो अभी देख सकते हैं ये फ्लोरिंग का काम चल रहा है इसको, ये दीवारें इसकी बनाई जा रही हैं गाजियाबाद स्टेशन की। और इधर की साइड में ये आर्म्स अभी नहीं लगे हैं, जो छेद चमक रहे हैं ये आर्म्स हैं, इनको भी अभी जोड़ा जाएगा, और जोड़ने के बाद में फिर इन पे गाटर लॉन्चिंग की जाएगी, और फिर उसके बाद में इस पे फ्लोरिंग का काम किया जाना है। तो अभी इसमें 4-5 महीने का वक्त लग जाएगा कंप्लीट होने में। काफ़ी लंबा चौड़ा स्टेशन है और बहुत ही सुंदर स्टेशन बनाया जा रहा है यहाँ का। तो देख सकते हैं वो इस पे दोनों साइडों में इस पे ये फ्लोरिंग का काम स्टार्ट किया जा रहा है बनाने का। ऊपर की फ्लोरिंग हो चुकी है, उस पे ट्रैक बिछाया जा रहा है, और इधर कोई अभी खंभा नहीं लगा है। जो सनरूफ बनाने का काम है, टीन सेट जो बिछाया जाएगा इसके ऊपर, उधर देखिए कोई भी पिलर अभी नहीं लगाया गया है, दूसरी साइड में ही लगाया गया है। तो यहाँ से बनाते हुए हम चल रहे हैं दुहाई डिपो के लिए, स्टेशन में दिखाएंगे। और स्टेशन पे कितना कुछ काम हो चुका है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्लो डाउन रहता है, क्योंकि यहाँ दो भागों में ट्रैफिक बट जाता है ये कंस्ट्रक्शन की वजह से। और देख सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को दिखाया था यहाँ पर, अभी इस पर फ्लोरिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। तो ये अभी गाटर को, एक गाटर से दूसरे गाटर को जोड़ने का जो काम है वो चल रहा है। ये देख सकते हैं, और यहाँ से ये कंपनी स्टार्ट हो जाती है एफ को।
ये एफको कंपनी है। पहले कर लिए गए थे लेकिन सनरूफ लगाने का काम था वो कर लिया गया है। देख सकते हैं ये सनरूफ लगाने का काम चल रहा है, बीच बीच में ये लगाए जाएंगे। उस प्लेट को क्या बोलते हैं, सूर्य प्लेट या सोलर, और इस पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे गुलढहर के स्टेशन पर। देख सकते हो तो यहाँ पर काम कंप्लीट हो चुका है। पर तो पहले आपको बता दो ये 17 किलोमीटर के रूट में ये पहला स्टेशन है जो बनके तैयार हुआ है और वो आता है गुलढहर। बाकी कोई स्टेशन अभी मेरा तो ये है कि भगवान भरोसे चैनल चल ही रहा है, क्योंकि पब्लिक को ये तो पता है कि भाई चल मेहनत कर रहा बंदा, क्यों ठाकुर साहब। सही बात। हाँ यार, मैं तो राम भरोसे चला ही रहा हूँ, हमने की बहुत लिखे ना पढ़ने से तो अच्छा ही है कुछ पढ़े। क्या है कि यार हीटिंग हीटिंग चिल्ला रहा है, अब हीटिंग कैसे बंद होगी इसमें। अरे भैया कुछ नहीं होगा, तो ऐसे अभी सुनने के लिए हो गया तेरा, सुनने के लिए रहने। और क्या, दुनिया भर का तो कबाड़ भर रखा है, तो हीटिंग नहीं लेगा और क्या लेगा। यार देखना एक बार फोन पे सर्च मार के, पोको ऐप देख लो एक बार जब बात करना। पर इधर की साइड में आपको बता दूं कि ये धोई स्टेशन से पहले गाइस यहाँ पर ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगाए गए हैं अभी तक। देख सकते हैं अब आने वाला है, दोस्तों देख सकते हैं तस्वीर और ये धुआई स्टेशन स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हैं ये लेफ्ट वाली जो साइड में है उसमें फ्लोरिंग का काम किया गया है और इस पर फ्लोरिंग किया भी जा रहा है। स्टेशन देख सकते हैं किस तरीके से ये बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बता दो धुआई स्टेशन के अंदर इस पर भी वर्क किया जा रहा है, जो पुताई का पेंटिंग का काम है वो किया जा रहा है और इसके बॉल्स बना दिए गए हैं साइड वाले, जो दीवारें थी वो उठा दी गई हैं। ये देख सकते हैं ये सेटरिंग लगी हुई है दोनों साइडों में और इनकी फ्लोरिंग का काम किया गया है और देख सकते हैं इधर भी फ्लोरिंग किया जाएगा। ये अभी गाटर लॉन्चिंग किए जा रहे हैं और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पर फ्लोरिंग किया जाएगा। तो अभी काफ़ी इसमें वक्त लगेगा लेकिन आपको बता दूं अगले साल मार्च तक ये कंप्लीट कर लिया जाएगा, उससे पहले ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। बाकी तो यहाँ पर ये सब फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है, जो लेफ्ट हैंड पर जो डिपो जाएगी, जिस साइड में डिपो जा रही है लेफ्ट हैंड पर,
उसी साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर तो राइट में जो मेरठ के लिए जा रहा है वो एक पिलर से दूसरे पिलर को लॉन्चर द्वारा कनेक्ट किए जा रहे हैं पिलर। तो देख सकते हैं यहाँ पर गाटर लॉन्चिंग कर दी गई है और इस पर फ्लोरिंग का काम अब किया जा रहा है, जो धोई डिपो के लिए लाइन जाएगी उस पर उसी का इस पर वर्क चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो मेरी आंखों से, ये देख सकते हैं। और हम इसके अंदर चलेंगे दोहाई डिपो के अंदर, अब वर्कर ये खड़े हैं दोहाई के लोग। अरे यार दोहाई के लोग आगे वाले सकते हैं, देख सकते हैं तस्वीर आ गई। और यहाँ से हम चलेंगे लेफ्ट, आगे जा रहा है मेरठ के लिए रूट, देख सकते हैं यहाँ से। और अगर हम इसके बगल से ही लेफ्ट में, अगर हम लेफ्ट में जाते हैं तो हम कुंडली मानेश्वर के लिए चले जाएंगे गाइस। देख सकते हैं कि लॉन्चर किस तरीके से बार्क करता है यहाँ पर, वो आप लोग देखेंगे। तो एक रूट चला जाता है दोहाई डिपो के लिए, ये लेफ्ट वाला रूट चला जाता है दोहाई डिपो के लिए, ये दोहाई डिपो के लिए जा रहा है। और ये राइट वाला जो रूट है वो जा रहा है मेरठ के लिए गाइस। देख सकते हैं तस्वीरें के लॉन्चर किस तरीके से इन्हें जोड़ रहा है, ये देख सकते हैं तस्वीरें कुछ इस तरीके से ये जोड़े जाते हैं, एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जाता है लॉन्चर द्वारा गाइस। और यहाँ पर जो दो पिलर तीन पिलर थे ये, जब ये स्टेशन बन, ये क्या नाम है, स्टील का ये ब्रिज बनाया गया था यहीं पर स्टैंड किया गया था, तो इसी वजह से ये पिलर लास्ट में बनाए गए हैं। जब ये स्टील का जो ब्रिज है वो वहाँ पर रख दिया गया है ईस्टर्न पेरिफेरल पर गाइस, उसके बाद में ये पिलर बनाए गए हैं तीन। तो पिलर कैप का काम कर लिया गया, दूसरे पे वो पिलर कैप लगाया जा रहा है और तीसरे पे भी सेटरिंग लगा दी जा चुकी है गाइस। देख सकते हैं तस्वीरें, नज़ारा यही था यहाँ का। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ में आप सभी से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस। देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से ये पिलर कैप का काम किया जा रहा है और ये लॉन्चर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है गाइस। तस्वीरें आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, ये देखो कुछ इस तरीके से ये चिपकाए जाते हैं। हाँ ऐसा ही होता फेविकोल टाइप। और हम चल रहे हैं अब अपने गाजियाबाद के लिए गाइस। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि दोहाई डिपो स्टेशन, दोहाई स्टेशन का कितना कुछ वर्क हो चुका है। आपको बता दूं जो ट्रैक लेफ्ट वाला है जो दोहाई डिपो के अंदर जाएगा उसी पर फ्लोरिंग का काम किया जा रहा है, गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, सारा वर्क यहां पर कंप्लीट सही हो चुका है। अब दूसरा लॉन्चर ये लगा हुआ है, देख सकते हैं ये भी एक पिलर से दूसरे पिलर को किस तरीके से चिपकाता है, इनको जोड़ता है गाइस। अपनी नज़रों से देखो ये ले, आगे पीछे हो रहे हैं ये। तो यही था, और आगे दिखाते हैं आपको दोहाई स्टेशन पर क्या काम चल रहा है, अभी क्या क्या किया जा रहा है। और जो वर्कर्स हैं वो देखिए यहाँ काम करते हुए, अभी तो ये फ्लोरिंग का ही काम चल रहा है इस दोहाई स्टेशन पे। और जो स्टेशन है गाइस उस जो अंदर का है उस पे पेंटिंग का काम चल रहा है, पेंट किया जा रहा है उनकी दीवारों पे उन पे। अभी इस पे आप लोगों को बता दूं कि जो टीन सेट का वर्क है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है इस पे, तो ये आर्म्स को जोड़ा जाएगा। और ये देखिए गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इस पे फ्लोरिंग का काम किया जाएगा इस स्टेशन पे। हाथ में पकड़ के, ये हाथ में जब पकड़ते हैं इसको तब दिक्कत नहीं करता, तब ज़्यादा नहीं हिलता, इसमें लगे लगे नाला हिलता।